तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट की, ठीक है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IITs, ठीक है। अब देखिए, IIT इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स विद स्पेशल फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है, उसमें इंजीनियरिंग है, साइंस है, मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेशल फंड के द्वारा जो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, जो स्पेशल फंड जिसमें होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं यानी कि ये ऑटोनॉमस वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिसके ऊपर क्या है किसी और का कंट्रोल नहीं होता है, जिसके ऊपर इनका खुद का ही कंट्रोल होता है, ठीक है। वो होते हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जिसके ऊपर खुद का ही कंट्रोल है। अब देखिए, द फर्स्ट IIT एज सेट इन द खड़गपुर इन 1951, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब 1951 में खड़गपुर में IIT सबसे पहली बार बना था। और IIT जो रुड़की है, ठीक है, वो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, ठीक है, इनकी IIT जो रुड़की है वो पहली बार इंडिया में कॉलेज बनाया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है, किसने बनाया था? ये अंग्रेज़ों के टाइम से थे, ठीक है, ये अंग्रेज़ों के टाइम से बनाया गया कॉलेज। आप मेरे को इसका आंसर बताना। द IITs हैव कॉमन एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, द जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस फॉर्मली कॉल IIT JEE, IITs आर अवेलेबल इन इंडिया। आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है कि आप अंडर ग्रेजुएट की स्टडी कर सकते हो, जैसे आप अंडर ग्रेजुएट स्टडी कर सकते हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद क्या है, आपके लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है IIT में, अगर आपको किसी स्टूडेंट को पढ़ना है जैसे, ठीक है, उसे ऐसे ही एडमिशन नहीं मिलती, उसके लिए पहले क्या है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है, जिसे IIT JEE बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्लियर करने के बाद यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे इंडिया में कौन कौन से IIT कॉलेज हैं उसकी एक लिस्ट है, देख लीजिए। IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है, एक बॉम्बे में, एक रुड़की, भुवनेश्वर, बिहाली, तिरुपति, गोवा, बनारस, हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में, बनारस में, रोपड़ है पंजाब में है, पलक्कड़, पटना, मंडी, मद्रास, खड़गपुर, जोधपुर, इंदौर, हैदराबाद, गुवाहाटी, गांधीनगर और दिल्ली, यहाँ पे IIT कॉलेज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो IT से रिलेटेड हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, IIITs आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोनॉमस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स विद स्पेशल फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, यहाँ पे क्या है, इसे भी स्पेशल फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लिस्टेड 4 सेंट्रल एंड 18 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप IITs। देखिए, यहाँ पे क्या है, IIITs जो है वो 4 सेंट्रल हैं और 18 जो है वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्कूल फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यानी कि SPARS, यहाँ पे ये बनाया गया है। अब देखिए, SPARS आर ए ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग स्कूल एस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली वॉज स्टार्टेड इन 1941 एज द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नाउ द दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU। इन 1959 इट वॉज मर्ज्ड विद द स्कूल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रीनेम टू इट्स करंट नेम एंड एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। द स्कूल ऑफर्स प्लानिंग आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन कोर्सेज बोथ एंड एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अब देखिए, यहाँ पे है क्या, जो ये बनाया गया था SPARS यानी कि स्कूल फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, पहली बात तो ये है कि ये किसके अंडर आता है, ये आता है HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ये आता है, ठीक है, MHRD के अंडर ये आता है। अब देखिए, इसकी शुरुआत हुई कब थी, ये सबसे पहले बना था 1941 में दिल्ली में, ठीक है, 1941 में दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। देखिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है,
और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी। यानी कि जो दिल्ली का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी थी, उसका जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है उसके रूप में इसे बनाया गया था कि इन दोनों यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, यहाँ पे इसका जो डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर जो बनाया गया था इसका काम देखने के लिए। ठीक है, जब 1959 आया तो इसे मर्ज कर दिया गया स्कूल के साथ। यानी कि पहले ये बनाया गया था दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग का काम देखने के लिए, बाद में इसे मर्ज कर दिया गया जो उस जगह पे स्कूल्स थे उनका भी काम देखने के लिए इसे जो है वो मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, बाद में इसका नाम बदल दिया और इसका आज क्या नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका नाम कर दिया गया दिल्ली विश्वविद्यालय। पहले ये किसके अंडर था, DTU के अंदर। ठीक है, इसका नाम क्या था, स्कूल फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जिसे बाद में स्कूल्स का भी काम दे दिया गया तो इसका नाम बदल के कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। द स्कूल ऑफर प्लानिंग आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन कोर्स बोथ एंड एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अब देखें यहाँ पे क्या है कि स्कूल के स्तर पर जो प्लानिंग है, आर्किटेक्चर है वो, और उसके बाद जो है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि स्कूल का लेवल भी और कॉलेज यूनिवर्सिटी का लेवल भी इसी के अंडर जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि NIT। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जो NIT है ये ग्रुप है किसका, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्कूल का। ठीक है, तो विच वर एस्टेब्लिश एज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड अपग्रेडेड इन 2003 टू नेशनल स्टेटस एंड सेंट्रल फंडिंग। अब देखिए नेशनल स्टेटस और सेंटर की फंड की वजह से इसे 2003 में क्या है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। द लेटेस्ट एक्ट गवर्निंग NIT एस इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2007 वाज टू डिक्लेयर थीम इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए 2007 में इसे घोषित कर दिया गया। ठीक है, आपको मैं हिंदी में बताता हूँ क्या है। देखिए ये जो कॉलेज है, ठीक है, ये जो NITs है, इसे 2003 में जो राष्ट्रीय जो स्थिति है, जो राष्ट्रीय फंडिंग के तौर पे क्या है अपने अंडर कर लिया गया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जो 2007 में एक नियम निकला था इसमें क्या है, इसे बताया गया था कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि राष्ट्रीय महत्व का ही है। पर अब क्या है, ये अब कौन सी लिस्ट में है, ये अब है करंट लिस्ट में। करंटली देखिए यहाँ पे 2017 लिखा हुआ है, अब भी ये इसी में ही दर्ज है, इनकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और करंट लिस्ट में ही दर्ज है। ठीक है, अब देखिए कि है क्या, अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल करंट लिस्ट की, तो 2017 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, अभी तक यहाँ पे क्या है, 31 जो है NITs है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIMs। अब देखिए IIMs क्या है, IIM आर ए ग्रुप ऑफ बिजनेस स्कूल क्रिएटिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए IIM क्या है, ये बिजनेस स्कूल जो है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत क्या है कि बिजनेस स्कूल खोले गए हैं जिसे IIM का नाम दिया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIM वॉज इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के तहत क्या था, IIM की शुरुआत की थी। अब देखिए हमारे भारत में क्या है, इस टाइम में क्या है कि जो है वो 20 जो है उससे ज़्यादा जो है IIM है। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, ये पहला IIM था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि IIM जो है वो सबसे पहले कहाँ पे बना था। ठीक है, वो बना था कलकत्ता में। ठीक है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता फर्स्ट IIM, ठीक है, कब बना था, 13 नवंबर 1961, यानी कि 13 नवंबर 1961 में ये बना था कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक है, जिसे कोलकाता भी बोला जाता है। फिर सेकंड IIM जो, याद देखिए मैंने हाईलाइट किया ग्रीन कलर में, सेकंड जो IIM था वो बना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। ठीक है, ये कब बना था, ये बना था 16 दिसंबर 1961 यानी कि 1961 में। फिर आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, यह है थर्ड IIM, यह बना था 1973 में बेंगलोर में।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, ये बना था 4th IIM, ये बना था 1984 में। फिर है IIM बना कोझीकोड़े, ये बना था 5th IIM है, ये 1996 में, ठीक है। फिर है बना था इंदौर में 6th IIM 1996 में। फिर देखिए शिलोंग में बना था 7th IIM, ठीक है। उसके बाद रोहतक में बना था 8th IIM। उसके बाद क्या है, रोहतक में फिर नहीं, उसके बाद बना था रांची में 9th IIM। रायपुर में बना है 10th IIM। 11th IIM बना था त्रिचीपल्ली में, ठीक है, जो बेंगलोर में है। उसके बाद 12th IIM बना था काशीपुर में, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। 13th IIM बना था उदयपुर में, ठीक है, ये बना था 2011 में। उसके बाद 14th IIM है जो बना था नागपुर में 2015 में। 15th IIM जो है वो बना था 2015 में विशाखापट्टनम में। 16th IIM बना था यहाँ पे बोध गया बिहार में, ठीक है। 17th IIM बना था ये है 17th IIM बना था कोझीकोड़े में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, फिर बना था 18th IIM बना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए 2015 में एक और IIM बना था लखनऊ में। फिर 2016 में बना था वो है जम्मू में, ठीक है, ये लास्ट IIM जो है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बना था जम्मू में, बना जम्मू में था। अब हम बात करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि NLU। अब देखिए NLU क्या है, ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लीगल रिसर्च एंड लीगल प्रोफेशन यानी कि जहाँ पे क्या है वकालत, यहाँ पे लॉ करवाया जाता है, ठीक है। जिनको वकील बनना है, लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, वो यहाँ पे लॉ की पढ़ाई करते हैं। अब हमारे देश में क्या है कि 15 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, और जो है ऑटोनोमस है, जो इनकी खुद चलाए जाते हैं अपने तरीके से। काउंसिल ऑफ इंडिया AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, देखिए जो AICTE है ये क्या है, ये स्टैचुरी बॉडी है यानी कि ये संविधान के, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये बनाई गई थी, ठीक है। ये किसके अंडर बनाई गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती है, जो MHRD के अंडर आती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पहली, ये कब बनी थी, ये बनी थी 1945 में, 1945 में, ठीक है। बाद में देखिए पहले क्या है, इससे पहले एडवाइजरी बोर्ड के तौर पर बनाया गया था, पर 1987 यानी कि 1987 में क्या है, इसे स्टैचुरी जो है वो स्टेटस दे दिया गया, ठीक है, जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि सबसे पहले 1945 में इसे एडवाइजरी बॉडी के तौर पर बनाया गया था, तो इसको फिर 1987 में क्या है संविधान के अंदर दर्ज कर लिया गया पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। अब देखिए इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर पहले बात है दिल्ली में है, इसके 7 रीजनल हेडक्वार्टर ऑफिस भी हैं कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, छत्तीसगढ़, भोपाल, बेंगलोर में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR। देखिए ये क्या है, क्या ICMR क्या है, ये एपेक्स बॉडी है, सबसे उच्च श्रेणी है इंडिया में, ठीक है। ये किसके अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फंड करती है, ठीक है, मेडिकल रिसर्च के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो ये किसके लिए काम करती है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, यानी कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बनाई गई है, पहली बात तो ये है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये किसके अंडर है, इसे फंड कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके लिए काम करती है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इंडिपेंडेंट, जो भारत की आज़ादी से पहले इसे क्या नाम था, इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन यानी कि IRFA, ठीक है। बाद में 1949 के बाद क्या है, इसका नाम चेंज करके इसे नाम दे दिया गया ICMR, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था ये। अब देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया बात करें तो फ्रेंड्स BCI क्या है, देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे पहले कब बना था, 1961 में। बार काउंसिल का मतलब क्या है, बार काउंसिल का मतलब है कि जितने भी वकील होते हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, ठीक है, उनमें से उनका एक, उनकी एक जो है वो काउंसिल बनाई जाए सभी वकीलों की, तो उनका एक वहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑल इंडिया बार काउंसिल एंड लॉ कमीशन जो है उसको रिकमेंड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये किसके तहत बनाया गया था, जो एडवोकेट एक्ट है 1961 के तहत, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, जिसमें क्या है सभी वकील हैं, ठीक है, उनकी एक काउंसिल को
बनाना है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, दिल्ली में, ठीक है। तो लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन जो इंडिया है इसमें क्या है, इसके तहत जो है वो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। फंक्शन क्या है बार काउंसिल के, देखिए तो पहला फंक्शन इसमें ये है कि जो वकील हैं, जो उनका पेशा है, जो उनका प्रोफेशन है, ठीक है, उनके जो जो उनका प्रोफेशन है, ठीक है, उनका जो शिष्टाचार यानी कि जो एटिक्वेट है उसको पूरा करना, यानी कि जो वकीलों का काम है उसको, वो कामों को पूरा करना। फिर दूसरी बात इसमें आती है कि जो वकील जो है वो कैसे कैसे काम करेंगे, किसी डिसिप्लिन से काम करेंगे, डिसिप्लिन से, वो आता है इसमें। फिर इसमें आएगा कि जो वकील है उनके जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके कुछ जो जो उसके जो प्रिविलेज हैं, ठीक है, उनकी जो क्या है, उनकी सेफ, उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना यानी कि उनकी रक्षा करना, ठीक है। फिर आता है कि कानून का जो सुधार है, यानी कि जैसे देखिए जो अभी लॉ रिफॉर्म होते हैं उनको बढ़ावा देना, समान का समर्थन करना, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कि जो किसी भी जो कोई भी मामला है, ठीक है, जो कोई भी मामला है, जो जैसे कोई स्टेट है अगर वहाँ पे कोई मामला उठ रहा है, ठीक है, तो वो कौन निपटा सकता है। जैसे यानी कि मान के चले कि किसी जगह पे वकीलों का कोई विवाद हो गया, ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो इसे कौन निपटाएगा, उस स्टेट की जो बार काउंसिल है वो उसको निपटाएगी, ठीक है। तो उससे क्या है कि लीगल एड जो गरीब व्यक्ति है उसको लीगल एड, उसे कानूनी सहायता देना, तो ऐसे करके ये सारे इसके फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि MCI। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ये स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है। तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1934 में, तो किस कौन से एक्ट के तहत, 1933 के एक्ट के तहत, ठीक है। 1956 में क्या था, द नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया विद नेशनल मेडिकल कमीशन NMC अंडर द मेडिकल काउंसिल एक्ट। देखिए पहले इसका नाम जो था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जितने भी देखें फ्रेंड्स जो सेंटर के हैं, जो मेन के हैं, वो सारे ही जिसके हेडक्वार्टर वो दिल्ली में ही हैं। जो सेंट्रल से फंडेड है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो दिल्ली में तकरीबन बनाए गए हैं। मेन फंक्शन क्या है, देखिए, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। देखिए जो अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल एजुकेशन है, ठीक है, उसकी स्थापना करना और उसको बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए जो दूसरा पॉइंट है उसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट जो लेवल है, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट जो लेवल है, जिन जगह पर यानी कि जिन कॉलेजों में, जिन जगह के ऊपर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कराया जाता है मेडिकल के अंदर, ठीक है, उन्हें मान्यता प्राप्त, उनको मान्यता देना, ठीक है। जहाँ पे मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया जा रहा है उसको एफिलेटेड करना या उनको मान्यता प्राप्त देना करना। रिकग्नाइजेशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाई मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब देखिए क्या है कि जो भारत में यानी कि जो इंडिया में जो मेडिकल क्वालिफिकेशन हैं, जिनकी जो मेडिकल क्वालिफिकेशन है उनको क्या है, उनको जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन को क्या है, उनको मान्यता प्रदान करना, यानी कि जो इंडिया में जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनको मान्यता प्रदान कौन करेगा, वो करेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इंडिया में हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं, जो कुछ भी बना है, उसको मान्यता, उसको रिकग्नाइज कौन करेगा, मेडिकल काउंसिल। एक्रेडिटेशन रिकग्नाइजेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन इन इंडिया। अब देखिए भारत में जो है वो जो विदेशी चिकित्सा यानी कि जो फॉरेन मेडिकल है उसको मान्यता देना, ठीक है। जहाँ पे है ना कि जहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ आ रही हैं, मेडिसिन आ रही है बाहर से, ठीक है, वो चीज़ कौन सा ट्रीटमेंट है उसको। एक्रेडिटेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज यानी कि जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, उनका प्रत्यापन करना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टरों का क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स विद रिकग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन, मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता वाले डॉक्टरों का पंजीकरण, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो जिनके पास सर्टिफिकेट है डॉक्टरी का, ठीक है, उनको क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन करना, कीपिंग ए डायरेक्ट्री ऑफ ऑल रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। अब देखिए एक डायरेक्ट्री बनाना जिसमें क्या है कि जितने भी डॉक्टर हैं जो बढ़िया डॉक्टर हैं तो उनका जो नाम वहाँ पे दर्ज करना, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। NCERT का काम क्या है फ्रेंड, देखिए NCERT सबसे पहले कब बनाई गई थी, 1 सितंबर 1961 यानी कि 1961 में, ठीक है। तो ये देखिए है क्या NCERT, इसका काम क्या है कि जो देश में जो स्कूल है, ठीक है, उसकी जो स्कूल की एजुकेशन को देखना,
एनसीईआरटी के जो बुक है ठीक है उसमें सिलेबस वगैरह जो कौन सा लगाया जाए कौन सा नहीं वो एनसीईआरटी की बुक्स में होता है। यानी कि स्कूल का जो लेवल है, स्कूल का जो शिक्षा का जो लेवल है, एजुकेशन का लेवल, वो कैसा होना चाहिए, ये काम है एनसीईआरटी का। ठीक है, द काउंसिल वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है उसमें क्या है कि इसका जो गठन है, जो एनसीईआरटी है वो 7 जो इंस्टीट्यूट से, जो 7 जो इंस्टीट्यूशन थे उसको मिला के बनाया गया। यानी कि इंडिया में जो 7 इंस्टीट्यूशन जो चल रहे थे उसको मिला के एक बना दिया गया एनसीईआरटी। कौन कौन से थे जिसको मिलाया गया, देखिए द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, फिर है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, द नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। इनको मिला के क्या है एनसीईआरटी बनाया गया। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए इसका फंक्शन वही है बस जो एजुकेशन के मामले में रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, नए नए आइडिया लेके आना कि ताकि जो है जो स्टडी जो है अच्छी हो सके स्कूलों में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद क्या है कि जो NCF है, जो NCF क्या है, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है वो डिसाइड करती है स्कूलों में सिलेबस क्या होना चाहिए, ऑडियो वीडियो होना चाहिए, ICT का मटेरियल होना चाहिए, इनकी जो मॉडर्न एजुकेशन। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, यानी कि ICAR। ठीक है, अब देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अब देखिए जो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए भी काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, ये कब बनी थी, 16 जुलाई 1929 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना बस इसका यही याद रखिए बस। ठीक है, ये है कि जो एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर होते हैं ठीक है वो इसके प्रेजिडेंट होते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के। देखिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाई NAAC NAC। ठीक है, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य मूल्य NAC को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के देखिए क्या है इसकी, इसमें डीमेरिट्स, इसकी डीमेरिट्स क्या है इसके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 2, 3 और 4। अब आ रही आती है सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ हायर एजुकेशन की। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ हायर एजुकेशन क्या है कि ये काउंसिल बनाई गई थी क्यों। ठीक है, देखिए द सेंटर एक्सीलेंस ऑफ हायर एजुकेशन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स फ्री मार्केट आइडिया इन हायर एजुकेशन। देखिए क्यों बनाई गई थी कि जो भारत की जो हायर एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे जा सके, बहुत बढ़िया हो सके, इसलिए बनाई गई है। तो ये बिल्कुल भी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये फ़ायदे के लिए नहीं है, ये बनाई गई थी 2007 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2007 में बनाई गई थी, इसको ये देखना था कि जो स्कीम जो ये देखिए विद द अंडर स्कीम्स ऑफ सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंस एंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर एट इंटरनेशनली कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे इसका ये डिसाइड करना है कि अगर हम भारत में उच्च शिक्षा की हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल क्या चल रहा है, बाकी देशों में क्या चल रहा है, उसी को कंपेयर करके इंडिया में लेके आना और जो जिसमें जो चीज़ ख़राब है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है। ठीक है, बनाई थी ये 1948 में, ये है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, तो ये है MHRD के अंडर। ठीक है, अब देखिए ये MHRD के अंडर नहीं है, ये अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया के। ठीक है, हायर स्कूल हायर सेकेंडरी नेक्स्ट एलिमेंट्री एजुकेशन, देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है। ठीक है, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन जो लाया गया है ये बनाया गया था 1995 में। इसके तहत क्या है कि जो 14 साल का जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, नेशनल ओपन स्कूल हैं, ये बने थे 1989 में, ये ऑटोनॉमस हैं,
एक है स्कूल, देखिए जो प्राइवेट एजुकेशन टू स्कूल ड्रॉप आउट एंड दोज हु कैनॉट अटेंड रेगुलर क्लासेस, जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ सकते ठीक है उनके लिए नेशनल ओपन स्कूल जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय, ये बने थे 1962 में, 1962 में ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है ठीक है, जिसके कुछ जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के ठीक है फ्रेंड्स। केंद्रीय विद्यालय बनाए गए थे जो सीधे ही किसके अंदर हैं, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। नवोदय विद्यालय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 फॉर्मुलेटेड स्कीम्स ए सेटअप रेजिडेंशियल स्कूल कॉल्ड नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। देखिए फ्रेंड्स हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, नवोदय विद्यालय खोले गए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हैं ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, देखिए CBSE बनाया गया है, ये बना था 1962 में, जो MHRD के अंडर है, इसका जो हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में है ठीक है। जो CBSE बोर्ड है वो पूरे इंडिया की ठीक है जो एजुकेशन है वो डिसाइड करता है, यानी कि CBSE बोर्ड है जो पूरे इंडिया में ही लागू है ठीक है। हर एक राज्य का अपना अपना बोर्ड अलग से होता है, पर जो CBSE बोर्ड है पूरे इंडिया में लागू होता है ठीक है। ये क्या है, ये यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आता है पूरे इंडिया के अंदर सारे स्कूलों में एक ही एजुकेशन के लिए ठीक है। तो CBSE के अंडर क्या है, इसमें जो CBSE जो एक जो इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर जो NCERT है ठीक है उसका सिलेबस जो पढ़ाया जाता है, CBSE के अंडर है NCERT का सिलेबस पढ़ाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिस एट नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आफ्टर, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पे है ठीक है। देखिए ये है इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी कि इंडिया के पास जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, पर पहले नंबर पे किसके पास है, USA में। सबसे स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में आपको बताया था कि USA और इंडिया के बाद भारत है तीसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे क्या है, अमेरिका ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन 2010-11 वाज बियॉन्ड द परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनमें से आप देखिए जो हायर एजुकेशन में 2010-11 में क्या है, किन के लिए जो सीट है वो रिजर्व रखी गई थी, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ST स्टूडेंट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल हैज़ बीन डिसबैंड इन 2013 में कौन सी काउंसिल जो है वो हटा दी गई थी ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को ठीक है। अब देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेक इंस्टीट्यूशन, देखिए सबसे ज़्यादा फेक इंस्टीट्यूशन फेक इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी पाई गई थी कहाँ पे, 2014 में, यानी कि 2014 में एक सर्वे किया गया था, यहाँ पे बहुत सारी फेक इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी पाई गई थी, वो कौन सी स्टेट में है, वो है उत्तर प्रदेश में ठीक है। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय, देखिए लाइन किसने बोली थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक है। द ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, यानी कि GER इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम, यानी कि आप देखिए इसका क्वेश्चन क्या ही है, क्वेश्चन है कि जो ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशो है ठीक है, जो ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशो है वो वर्तमान समय में यानी कि एट प्रेजेंट टाइम में क्या है उसके बारे में बताना है ठीक है। हायर एजुकेशन क्या है कि हायर एजुकेशन देखिए कि जो ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशो देखी जाती है वो देखना है इसमें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 19%। एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन जैकस डिलोज रिपोर्ट टू यूनेस्को वास टाइटल, यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द ग्राउंड्स ऑफ द, देखिए यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे चुनना है एक ऑप्शन को ठीक है, आप कोई भी चुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स इज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया रैंकिंग 2016, अब देखिए यानी कि आपको 2016 के अकॉर्डिंग क्या है रैंकिंग चुनना है यूनिवर्सिटी का, रैंकिंग का क्वेश्चन हमेशा ही फ्रेंड्स आता है। अब 2019 का जो 19 है 2019 उसकी भी जो NIRF की जो रैंकिंग आ चुकी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अब हम बात करेंगे मेटा कॉन्सेप्ट की, देखिए फ्रेंड्स मेटा कॉन्सेप्ट क्या है,
अब जो मॉडर्न इरा है, जो हमारा जो मॉडर्न इरा है, जो इस टाइम जो आधुनिक जो प्रणाली है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो मोस्टली यूनिवर्सिटी हैं वो मेटा कॉन्सेप्ट को है जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं। देखिए मेटा कॉन्सेप्ट क्या है, एज वी ऑल आर फैमिलियर दैट मेटा कॉन्सेप्ट इज़ वेरी पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज एंड वी ऑल नो द फैक्ट दैट हाउ डेवलप फॉरेन कंट्रीज आर। देखिए मेटा कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन की जो कंट्रीज है वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसी की वजह से क्या है फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। मेटा कॉन्सेप्ट इज़ अडॉप्ट बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड इट मेक्स स्टडी ईजियर। देखिए मेटा कॉन्सेप्ट से क्या है, इसकी वजह से जो क्या है स्टडी जो है वो ईजी हो जाती है, ठीक है। इससे क्या है जो स्टूडेंट में जो है वो स्किल्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बेनिफिट देखते हैं मेटा कॉन्सेप्ट के है क्या। मेटा कॉन्सेप्ट तो वही है कि जो फॉरेन में अपनाया जा रहा है, जिससे क्या है स्किल डेवलपमेंट हो रही है, जिससे स्टडी जो आसान हो रही है, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या है, इट विल अलाउ ऑल द स्टूडेंट्स टू इंक्रीज देयर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइनिंग करिकुलम एंड परसुइंग सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस इन एन अफोर्ड एफर्ट टू मेक हायर एजुकेशन मोर लिबरल एंड एक्सेसिबल टू द मासेस। मेटा कॉन्सेप्ट ने क्या है, देखिए जो स्टूडेंट है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है सोचने में, समझने में, जो उसका करिकुलम, जो उसका सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें क्या है उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेटा कॉन्सेप्ट जो है एक जो स्टूडेंट के लिए हेल्प के लिए बनाया गया है, इसमें क्या है कि जो छात्र हैं, जो यानी कि स्टूडेंट, जो उनको सिलेबस लगाया गया है उसको कैसे आसान बनाया जाए, ठीक है, उसको कैसे आसान बनाया जाए और किस सब्जेक्ट में उसे ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, इसमें उसको आगे बढ़ाया जाए। जैसे आप जैसे देखिए ग्रेजुएशन में जैसे आपने एडमिशन लिया तो आपके सामने सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो ना। 10th के बाद जब आप +1 यानी कि 11th 12th में जब जाते हो तो आपको वहाँ पे चुन सकते हो ना, आप आर्ट्स में जा रहे हो, साइंस में, कॉमर्स में, ठीक है, कहीं पे भी जाओगे तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट को चुनने की क्या है वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू क्रिएट न्यू माइंड्स कंडक्टिव टू इनोवेशन। देखिए इसमें क्या है कि छात्रों को नवाचार यानी कि न्यू आइडियाज़ के लिए क्या है, ठीक है, न्यू आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं, इनकी जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें जाए, ठीक है। इट विल इंक्रीज इंट्रैक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर रिगार्डिंग दे कैन शेयर। देखिए है क्या कि जो टीचिंग, जैसे मान के चलिए कि आपने जैसे मेडिकल करनी थी, जैसे देखिए कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, अगर वो उसको मेडिकल ही पढ़ाया जाए जिसका उसमें इंटरेस्ट है तो वो उस सिलेबस को अच्छे से करेगा। अब जिसका इंटरेस्ट ही उसमें हो ही ना, है ना, आर्ट्स का स्टूडेंट है, मेडिकल रखवा दिए, उसका इंटरेस्ट नहीं है, टीचर पढ़ा रहा है, उसका समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, है ना, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट स्टडी में बना रहे, कौन से सब्जेक्ट में उसकी उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, इसके लिए उसे क्या है पूरी तरह से आज़ादी देना। द इंटरनेट विल बी प्रोवाइड द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल ए नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी। अब देखिए क्या है, इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाता है कि ताकि जो वेरियस जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो कोर्स करवाए जाते हैं कि ताकि जो स्टूडेंट है उसका भी हिस्सा बन सके, ठीक है। इन इंडिया फर्स्ट मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट अडॉप्ट इन 2012 बाई दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, 2012 में मेटा कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ लाइकली टू इंट्रोड्यूस ए मेटा कॉलेज दैट अलाउ स्मॉल बैचेस ऑफ स्टूडेंट टू मिक्स एंड बैच कोर्स इंटरेस्ट देम फ्रॉम ऑप्शन अवेलेबल इन DU कॉलेज एड एज ए पायलट प्रोजेक्ट। देखिए कॉलेज में क्या है, पायलट प्रोजेक्ट के लिए क्या है, ठीक है, 2012 में जब इसने ये अपना लिया था, इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट जो है जिस सब्जेक्ट में अपनी रुचि रखते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है वो उनको, ठीक है, वो पढ़ाया जाए, ठीक है, यानी कि जो उनकी स्टडी से रिलेटेड है उसी को, उन्हीं स्टूडेंट को वही सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाए, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ ड्रॉप द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अबे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा। अब देखिए फ्रेंड्स कई कॉलेज में क्या है रूसा ब्लॉक बनाए जा रहे हैं अलग से, क्यों बनाए जा रहे हैं, देख रहे हैं रूसा का क्या फुल फॉर्म है यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय मैंने नेशनल लेवल पे, उच्चतर मैंने कि एक हायर एजुकेशन यानी कि इसको हिंदी की जगह इंग्लिश में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, यानी कि देश की जो एजुकेशन है उसको एक हाई लेवल पर लेके जाना। तो फ्रेंड्स ये स्कीम आई थी एक, ठीक है, कब आई थी 2013 में, ये कौन लेके आया था, MHRD, ठीक है। रूसा का देखिए रूसा का मतलब है क्या, इम्प्रूवमेंट करना, कहाँ पे करना है इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ टीचिंग में,
टीचिंग लर्निंग में, ठीक है, यानी कि जो कॉलेज में जो पढ़ाई करवाई जा रही है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करवाई जा रही है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, तो उसको देखना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब देखिए, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं पर स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो स्टूडेंट कैसे इंटरेस्ट दिखाए उसमें, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। टीचर बढ़िया पढ़ाए, स्टूडेंट बढ़िया पढ़े, तो ये काम है रूसा का, ठीक है। तो देखिए, इसके प्राइमरी जो इसके जो टारगेट है, ठीक है, कि क्या क्या जो होना चाहिए, न्यू कॉलेज है, प्रोफेशनली आप देख सकते हैं। आप इसको ऐसे देखिए, इसमें एक ही बात है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना ही करना है, ठीक है। आपको मेन बात के लिए चलता हूँ, प्रिंसिपल क्या है रूसा के, देखिए फोकस क्या करना है इस पर, इसका क्वालिटी रिसर्च के ऊपर, ठीक है। फिर इसके नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडिंग फंडिंग है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग यानी कि भारत सरकार की तरह बनाए गए हैं, ऑटोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यानी कि खुद के फैसले खुद ले सकते हैं, डिस्क्लोजर बेस्ड गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट यानी कि इसका सभी जगह पे एक जैसी डेवलपमेंट करना है, यानी कि ये नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में कुछ कर दिया, किसी में कुछ कर दिया, ऐसे नहीं है, ठीक है। अब इसके देखिए फंक्शन, देखिए इसका क्वेश्चन आ गया, विच आर द फॉलोइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का। देखिए फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ABC, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, देखिए IIAS यानी कि ये कब बनाई गई थी, ये किसके अंडर है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये बनी थी 6 अक्टूबर 1964 में। किसने बनाई थी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी ने, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हो गई थी, 20 अक्टूबर 1965 को, यानी कि एक साल लग गया था इसको होते होते। ये कहाँ पर बनाई गई थी, शिमला में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज लोकेटेड एट, ठीक है, ये है शिमला में, क्वेश्चन आ चुका है पहले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, अब देखिए NIAS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जहाँ पे एडवांस लेवल की पढ़ाई करवाई जाती है। देखिए ये किसने बनाया था, ये बनाया था JRD टाटा ने, ठीक है। क्यों बनाया था, कि ताकि हाई लर्निंग इंडिया में करवाई जा सके, ठीक है। अब देखिए एडवांस स्टडी में क्या है, कि जिसमें आप देखिए कि नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, यानी कि एक जो लेवल है जो स्टडी का, उसको बहुत ऊंचाई तक लेके जाना, तो किसने बनाया था, JRD टाटा ने। तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है जो बनाया था JRD टाटा ने, ठीक है। अब देखिए ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 20 जून 1988 को, ठीक है, जब आपका UGC NET का पहला एग्ज़ाम है, ठीक है, ये तब बना था ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके देख सकते हैं आप कि इसको आज ये देखिए कि इसको काफ़ी साल हो चुके हैं, ठीक है, तो इसका आप देखिए कि 31 साल हो चुके हैं, 31। विद डॉक्टर राजा रमन विच इज़ फाउंडर डायरेक्टर, जब ये देखिए बना था, इसके जो डायरेक्टर थे वो थे राजा रमन। इट इज़ लोकेटेड एट बेंगलुरु, ये कहाँ पर बना था, बेंगलुरु में बना था, ठीक है, जो साउथ इंडियन स्टेट है कर्नाटका की, ठीक है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में बना था। अब देखिए सम एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में क्या है कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान के चलिए कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको पहले उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। क्योंकि देखिए भारत में, इंडिया में कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, पर अब इतना तो मुश्किल हो जाएगा, इतनी सीट्स नहीं होगी, तो उसके लिए क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम रख दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, आपको सीधे मैं बताऊँगा कि उनका सीधे पहले देखिए होता है JEE यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, JEE मेन होता है इंजीनियरिंग के लिए है, फिर है JEE एडवांस, ठीक है, ये अगर आपको IIT में एडमिशन लेनी है तो JEE एडवांस करिए। बिट सेट है यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन, ठीक है, ये जो करवाया जाता है, ये जो क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर उनको बाद में एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए 12th के स्टूडेंट है, इसका एग्ज़ाम जो है वो देते हैं, ठीक है। इसका कैंपस कहाँ पर है, पिलनी गोवा और हैदराबाद में, ठीक है। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट क्लास 12th के बाद क्या है, जो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फार्मेसी, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, या अदर कोर्स वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है VT यानी कि VIT EEE, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंडक्ट्स द इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये क्यों है, ये BTEC की डिग्री के लिए करवाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं इसके लिए। अब हम इंजीनियरिंग के बाद बात करेंगे
मेडिकल की देखिए, पहला है नीट का एग्ज़ाम, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, पहले ये PMT था, पैरामेडिकल टेस्ट, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया है नीट का एग्ज़ाम। देखिए, जिन बच्चों ने 11th 12th में मेडिकल रखा है और अगर वो बाद में MBBS करना चाहते हैं तो उनके लिए एक नीट का एग्ज़ाम है, जिसको क्लियर करने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में क्या है, एडमिशन मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं नीट। अगर इनकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है, तो नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। फिर है एम्स, इनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम, इनकी अगर आपको एम्स के ज़रिए MBBS करना है तो उसके लिए आपको अलग से इसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ये बना था 1952 में। नेक्स्ट है BHU PMT, इनकी प्री मेडिकल टेस्ट BHU में, ठीक है, इसमें क्या है MBBS BDS वगैरह, ठीक है, डेंटिस्ट के लिए ये है, ठीक है। BHU की फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप देखिए यहाँ पे भी जो प्री मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको डॉक्टरी पढ़नी है, MBBS करनी है, तो आपको यहाँ पे इसका टेस्ट देना पड़ेगा। कृष्णा मेडिकल कॉलेज वेलोर, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये विच इज़ एफिलेटेड टू द, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है, डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई में है ये, ठीक। नेक्स्ट है AIPVT, यानी कि ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट, यानी कि ये भी एग्ज़ाम होता है, ये टेस्ट होता है इसका, ठीक है, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना। तो देखिए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। लॉ के लिए कौन सा, देखिए AIBE, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इसके लिए टेस्ट है, ठीक है। दिस इज़ नॉट कंडक्ट फॉर एडमिशन टू लॉ कॉलेज, इट्स मोटिव टू एग्जामिन एंड एडवोकेट कैपेबिलिटी। देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एडमिशन देना है लॉ कॉलेज में, इसमें आपकी क्वालिटी भी चेक करना है कि आप क्या वकील बनने के काबिल हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आपको देखिए LLB करना है, LLM करना है, तो आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 16 यानी कि 16 जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, AILET यानी कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अगर आपको नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपको अगर जो है एग्ज़ाम जो ये कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि जो ये एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट होगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ठीक है। LSAT यानी कि लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज्ड बेस्ड है, ठीक है, ये डिज़ाइन जैसे अमेरिका में, जैसे US बेस्ड लॉ स्कूल है, ठीक है, तो वैसा ही, यानी कि जैसे अमेरिका में जो लॉ के जो स्कूल है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया में उसी पे ऊपर बता जो है वो LSAT बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये AMU में एडमिशन लेना है तो आपको इसका जो टेस्ट देना पड़ेगा BLAT, BLAT, BHU के बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में, अगर आपको अगर आपको एडमिशन लेना है लॉ में, तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, जोधपुर फैकल्टी ऑफ लॉ JNVU यानी कि जोधपुर में, ठीक है, वन ऑफ द प्योनियर इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ लॉ। अगर आपको देखिए LLM मास्टर ऑफ लॉ करना है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पर आपको यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी BVDU यानी कि BVDU पुणे इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि देखिए अगर आपको यहाँ पे BBA करनी है, LLB करनी है, यहाँ पे आपको 5 ईयर का डिग्री कोर्स करवाया जाएगा भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए और भी बहुत सारे लॉ के एग्ज़ाम हैं, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। देखिए कैट का एग्ज़ाम है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, अगर आपको मैनेजमेंट करना है, अगर आपको IIM में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अगर आपको देखिए पहली बात तो है कि अगर आपको JEE का एग्ज़ाम किसके लिए दे रहे हो, IIT के लिए, अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है तो JEE का एग्ज़ाम, अगर आपको IIM में जाना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, तो आपको देना है कैट का एग्ज़ाम, ठीक है, टफ एग्ज़ाम है काफ़ी। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है, ये से बोलते हैं CMAT, ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट है। नेक्स्ट है Xavier एप्टीट्यूड टेस्ट, आप फ्रेंड्स इसके नाम याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा। एग्जैक्ट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि MAT, ठीक है, अगर आपको MBA करना है तो MAT का टेस्ट होता है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। फॉर डिज़ाइनिंग, अगर आपको डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, उसके डिज़ाइनिंग के करियर में जाना है, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए NID यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग अहमदाबाद, ठीक है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में है,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई में है, फिर बेंगलुरु में है, पर्ल अकेडमी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नेक्स्ट है सीड यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम IIT और IIS के लिए, ठीक है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए। LED यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, UID यानी कि यूनाइट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड वेरियस टाइप के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। फॉर आर्किटेक्चर के लिए देखा गया है नाटा यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर JEE मेन है, देखिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम मेन वो है AAT के लिए, ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चर टेस्ट के लिए। HITSI यानी कि HIT SEE हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। नेक्स्ट है सीड यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर डिज़ाइन कंडक्ट IIT बॉम्बे, ये IIT बॉम्बे करवाती है। KIITE यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट है GAT यानी कि गीतम एडमिशन टेस्ट। सम स्टेट आर कंडक्ट एंड एग्ज़ाम एट स्टेट लेवल, देखिए कुछ अब ये तो थी सेंट्रल लेवल की, कुछ स्टेट जो है वो अपने लेवल पे क्या है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर में, जैसे JNTU PA CET यानी कि जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है KCET यानी कि कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन कर्नाटका में करवाया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है IPU CET यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और भी बहुत सारे वेरियस स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है। देखिए फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेक्चरर, अगर आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आपको लेक्चरर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका टेस्ट होगा। देखिए सबसे पहले UGC का जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, अगर आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आप UGC का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। UGC नेट है और CSIR जो नेट है, ठीक है, ये लेवल है आपके कॉलेज में पढ़ाने के लिए, ठीक है। CSIR एम की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR कंडक्ट द जॉइंट CSIR UGC नेट विच इज़ ए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम इन द फील्ड ऑफ साइंस इंक्लूडिंग लाइफ साइंस फिजिकल साइंस केमिकल साइंस मैथमेटिकल साइंस एंड अर्थ एटमोस्फेरिक ओशन एंड प्लानिटरी साइंस। अब देखिए UGC क्या है, दो तरह के एग्ज़ाम करवाएगी, CSIR नेट और UGC CBSE नेट। CSIR नेट में क्या है, कौन से जो सब्जेक्ट आते हैं इनमें आते हैं, लाइफ साइंस के, फिजिकल साइंस के, केमिकल साइंस के, मैथमेटिकल साइंस के, या अर्थ एटमोसफेयर ओशन या प्लानिटरी साइंस के। इसके अलावा जो 101 सब्जेक्ट हैं जो कॉमन सभी के होते ही हैं वो देंगे CBSE नेट का यानी कि UGC नेट का एग्ज़ाम, ठीक है। ये तो पता ही आपको, ये तो समझाने की जरूरत है ही नहीं है, है ना। अगर आपने आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस रखा है, कॉमर्स रखा है, तो उसके लिए आपका है UGC नेट। अगर आपका कोई डिफरेंट एग्ज़ाम है तो उसके लिए है UGC नेट, ठीक है। एग्ज़ाम इज़ कंडक्ट इन द स्ट्रीम, ठीक है, ये तो हो चुका है। फॉर स्पेस साइंस, देखिए अगर आपको स्पेस साइंस के लिए अगर आपको जाना है, अगर आपको स्पेस साइंस में पढ़ाई करनी है, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कहाँ पे, ग्रेजुएट लेवल पे होगा, BITSET IIT ITT JEE, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंट्रेंस टेस्ट, फिर है ISAT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट, फिर है अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल करना है स्पेस साइंस में तो आपको जाना होगा यहाँ पे कोचीन यूनिवर्सिटी वगैरह, ठीक है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस PhD एंट्रेंस, फिर है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, जो टाटा इंस्टीट्यूट है, फिर है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है JEST, फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम जूनियर रिसर्च फेलोशिप इनकी JERF एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब देखिए अगर आपको फार्मेसी में जाना है तो उसके लिए आपको है GPAT यानी कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। GPAT की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कौन ऑर्गेनाइज कराता है, AICTE। दिस एग्ज़ाम इज़ ए गेटवे ऑफ फॉर एडमिशन इनटू द मास्टर प्रोग्राम ऑफ फार्मेसी। अगर आपको एम फार्मेसी करनी है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। देखिए एंड अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम, देखिए बहुत सारे और अदर एग्ज़ाम हैं, रिमेंबर पॉइंट ऑफ, ठीक है, बहुत सारे जो अदर जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं। अब देखिए रिमेंबर पॉइंट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के हमें कौन से पॉइंट जो है याद रखने हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTAA जो अभी
यूजीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। ये क्या है, ऑटोनोमस जो सेल्फ सस्टेन्ड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एग्ज़ामिनेशन करवाती है। नेक्स्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc इन बेंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की IIT, ठीक है, ये टॉप वर्ल्ड के जो टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इनका जो प्लेस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इसके रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे HRD मिनिस्ट्री, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो आते हैं एग्जाम में। HRD मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च विच टीचर ऐप, HRD मिनिस्ट्री ने एक टीचर की ऐप लॉन्च की है, वो क्या है, वो है परीक्षक, ठीक है। विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ चूजन द खादी एज देयर कन्वोकेशन रोब, देखिए किस जो कौन सा जो इंस्टीट्यूट है जिसने खादी चुना है कन्वोकेशन के लिए, इनकी अगर आपको वहाँ पे कन्वोकेशन करवानी है एडमिशन के लिए तो आपको खादी पहन के जाना पड़ेगा, वो है IIT बॉम्बे। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद विच कंपनीज हैज़ साइंड एन MOU फॉर सेटिंग अप द हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश है उसने किस कंपनी के साथ MOU इनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है, ठीक है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो उसका नाम है NTPC यानी कि NTPC लिमिटेड एंड NHPC, ठीक है। वेयर डज द गवर्नमेंट प्लान टू इस्टेब्लिश एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक, ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कहाँ पे प्लान किया है कि होम्योपैथी के लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाए, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू इस्टेब्लिश ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एट नरेला न्यू दिल्ली, ठीक है। हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू गोवा यूनिवर्सिटी VC यानी कि वाइस चांसलर, किसे बनाया गया गोवा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, तो है वरुण साहनी। नेम द सर्च इंजन डिज़ाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, देखिए KR फोर्ड स्कूल है पेरम्बरू में जिसने डिज़ाइन किया है एक ऑनलाइन सर्च इंजन ऐप टू क्रिएट अवेयरनेस इंटरनेट यूजर्स एंड ऑनलाइन, ठीक है। द 15 मेंबर क्लास 11 स्टूडेंट डिज़ाइन ए सर्च इंजन कॉल्ड स्कूल उगल, गूगल फॉर स्कूल, यानी कि देखिए इन्होंने एक ऐप बनाई है स्कूल उगल गूगल, ठीक है, फॉर स्कूल के लिए, यानी कि स्कूल के लिए एक ऐप बनाई गई है। वट डज हैफा स्टैंड फॉर, हैफा की फुल फॉर्म क्या है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, कब बनी थी ये, 12 सितंबर 2016 में। राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ पार्टनर विद विच टेक फर्म टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग, द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ पार्टनर, देखिए राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने किसके साथ जो किसका वो पार्टनर है, ठीक है, डिजिटल लर्निंग के लिए, वो है सिस्को का CISCO। ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर में सून बी इंट्रोड्यूस एज ए न्यू कैटेगरी इन एप्लीकेशन फॉर्म और विच गवर्नमेंट बॉडी, अब देखिए जो ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है वो न्यू कैटेगरी में रखे जाएंगे कौन सी गवर्नमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म में, यह है UPSC के एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपको UPSC का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो वहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर की जगह एक नई जो कैटेगरी वो मिलेगी। विच स्टेट इज़ प्लानिंग टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, ठीक है, देखिए कौन सी जो स्टेट है जिसने प्लानिंग किया है इंडिया की जो फर्स्ट टेक्सटाइल जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ये किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, इसके लिए उन्होंने 800 से 900 करोड़ रुपए का सूरत में जो इन्वेस्टमेंट करना है। आयुष मिनिस्ट्री हैज़ एस्टेब्लिश्ड TKDL इन कोलाब्रेशन विद CSIR, वट डज TKDL स्टैंड फॉर, यानी कि TKDL की फॉर्म क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। राजस्थान बिकेम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनकॉर्पोरेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन, देखिए जो राजस्थान है वो इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट बन चुका है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हायर एजुकेशन में। देखिए इन दिस रिगार्ड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन कोलाब्रेशन विद द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन हैज़ प्रिपेयर्ड 16 कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर कॉलेज इन द स्टेट। देखिए राजस्थान में कॉलेज में क्या है 16 तरह के कोर्स रखे गए हैं, साथ में स्किल डेवलपमेंट खोला गया है, इसलिए इसको जो क्या है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड क्रिएशन
ऑफ सिंगल कॉर्पस फंड नॉन लैप्सेबल नॉन एज माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष. द फंड अराइजिंग फ्रॉम मस्क विल बी यूटिलाइज फॉर स्कीम इन द एजुकेशन सेक्टर विच विल बी अवेलेबल फॉर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री. अब देखिए यूनियन कैबिनेट ने क्या है, एक मस्क बनाया है. मस्क क्या है, माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष, जिसमें क्या है कि देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ठीक है, बेनिफिट पहुंचाने के लिए यहाँ पे क्या है इसको बनाया गया है. द क्वेकरली सिम साइमर्स, यानी कि देखिए क्या है ये क्वेस्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 हैज़ बिन, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2018 की है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2019 की भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, 2019 की जो लॉन्च हो चुकी है वो NIRF आप उसको देखिए. देखिए द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC हैज ब्लैक लिस्ट एज ए मैनी 23 इंस्टीट्यूशन है एंड टैग्ड दैम फेक. देखिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने 23 जो इंस्टीट्यूशन है वो टारगेट किए हैं, जो ब्लैक लिस्ट किए हैं, जो फेक यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है. तो देखिए यूपी के जो 8 जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो फेक यूनिवर्सिटी पाई गई हैं, यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटी है. इन द नोटिस UGC सेड दैट सेक्शन 23 ऑफ द UGC एक्ट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज एस्टैब्लिश बाय नॉर्म्स. देखिए UGC ने कहा है कि अगर जो नॉर्म्स जो उसकी शर्तें पूरी करता है वही यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कहलाई जाएगी, उसके अलावा जो शर्तें ना पूरी करे वो UGC के तहत वो फेक यूनिवर्सिटी मानी जाएगी. स्टेट वाइज देखिए फेक लिस्ट फेक यूनिवर्सिटी कौन सी है, बिहार में है मैथिली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार में. दिल्ली में कौन सी है, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली में. यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ADR सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी राजेंद्रा प्लेस न्यू दिल्ली में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है न्यू दिल्ली में. विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है दिल्ली में. कर्नाटका में क्या है, देखिए कर्नाटक में क्या है, देखिए बडगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी गोकक बेलगाम कर्नाटका में. केरला में क्या है, सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, ठीक है, किश्तम केरला में. महाराष्ट्र में क्या है, देखिए राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र में. वेस्ट बंगाल में कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता में. इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च में कोलकाता में, ठीक है. उत्तर प्रदेश में देखिए वर्षेण्य संस्कृत विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो जगतपुरी दिल्ली में है. महिला ग्राम विद्यापीठ है, गांधी हिंदी विद्यापीठ है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी है कानपुर उत्तर प्रदेश में. नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ठीक है. फिर है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कोसी कल्याण मथुरा उत्तर प्रदेश में है. महाराणा प्रताप है, इंद्रप्रदेश शिक्षा परिषद है नोएडा उत्तर प्रदेश में. देखिए 8 यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी में है, ठीक है, बाकी जगह तो एक दो ही हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा है. उड़ीसा में है 2, यानी कि नव भारत शिक्षा परिषद अन्नपूर्णा भवन राउरकेला में, और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, पुडुचेरी में है श्री बोधि अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड जय, ठीक है. तो देखिए ये है क्या, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 प्रोवाइड्स फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट. आपको फ्रेंड्स मैं इतने जो मुश्किल वर्ड आपको मैं सिंपल सा मीनिंग समझा दूंगा, आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं लाइन टू लाइन पढ़ के बताऊँ, आपको मैं वैसे ही सारी चीज़ बता दूंगा. तो फ्रेंड्स देखिए है क्या कि जो हमारा भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हो गया था. यहाँ पे लिखा ना प्रोवाइड्स फॉर बाइकैमरल पार्लियामेंट. बाइकैमरल का क्या मतलब है, देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक यूनिकैमरल एक होती है बाइकैमरल. बाइकैमरल का मतलब होता है जिसमें दो हाउस हैं, दो सदन हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा वो होते हैं बाइकैमरल. तो जिस जगह पे जैसे कई स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या है बाइकैमरल नहीं है, तो वहाँ पे ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वो होती है
यूनिकैमरल, यानी कि जिसमें दो सदन पाए जाएँ वो है बायकैमरल, जहाँ पे एक ही सदन पाया जाए ठीक है वो है यूनिकैमरल। देखिए पार्लियामेंट किससे बनती है, पार्लियामेंट कैसे बनती है, पहली बात तो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से, फिर हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यसभा ठीक है, यानी कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है जिसे हिंदी में संसद बोला जाता है वो तीन चीज़ों के जुड़ने से बनती है, पहला है राष्ट्रपति, फिर है लोकसभा और राज्यसभा ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी की। देखिए एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद ठीक है, आपको ये नाम सभी को याद तो हो गई ठीक है फ्रेंड्स। देखिए द प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द हाउस। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टर्म्स आइए कुछ, देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है जहाँ पे क्या है लोकसभा भी है जहाँ पे राज्यसभा भी है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लिखा है ना बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा ये राष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे, और साथ में हमारे जो स्टेट्स हैं जो हमारी 29 स्टेट्स हैं ठीक है 27 यूनियन टेरेटरी हैं। तो क्या है कि जो स्टेट्स में देखिए हर एक स्टेट में क्या है कि कई स्टेट में देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, कईयों में काउंसिल भी है। तो यानी कि हमारे देश में अगर 29 स्टेट्स हैं तो उन कई राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना हो, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो साथ में राज्यों की स्टेट्स की ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली ही पार्टिसिपेट करती है, काउंसिल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर आपको स्मार्ट क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि इनमें से क्या राष्ट्रपति के चुनाव में या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो कौन नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है, किसकी स्टेट की, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट का नहीं करेगा, ओनली असेंबली करेगा ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊँगा ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है कि आपको जैसे पता लगाना हो कि किन राज्यों में, यानी कि 29 जो स्टेट है किन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है तो किन राज्यों में नहीं है, तो आप कैसे लगाओगे, एक इसका छोटा ट्रिक है ताजकुंभ, TAJKUMB ताजकुंभ फ्रेंड्स। यहाँ पे लिख के नहीं मैं बता सकता क्योंकि लिखा नहीं जा सकता यहाँ पे, तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको पता लगाना हो कि किन राज्यों में लोकसभा और सॉरी किन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है, किन राज्यों में एक ही है ठीक है, तो कैसे बदलाओगे, ताजकुंभ ट्रिक के जरिए TAJKUMB, टी से होता है तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, जे से जम्मू कश्मीर, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और बी से बिहार। तो ये जो सात जो राज्य हैं यहाँ पे क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पे क्या है काउंसिल दोनों है, यानी कि यहाँ पे क्या है बायकैमरल है। तो 29 स्टेट्स में से यहाँ पे 7 आप निकाल दीजिए तो बचते हैं 22 राज्य, यानी कि 22 राज्य में से क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, उनमें क्या है ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है ठीक है। देखिए तो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ए पार्लियामेंट, ही डज नॉट सिट और पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस इन आइदर और। देखिए द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ए पार्लियामेंट, ही डज नॉट सिट और पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द आइदर हाउस ऑफ द टू हाउस। देखिए राष्ट्रपति यानी कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर हैं, पर वो क्या करते हैं कि इनकी डिस्कशन में दोनों हाउस की डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको साल में एक बार ठीक है साल में एक बार दोनों में अपनी हाजिरी लगवाना जरूरी है ठीक है, साल में दो बार साल में एक ही बार चाहे लोकसभा राज्यसभा में उनका जाना जरूरी है एक बार वहाँ पे, तो वैसे जो उनके जो मीटिंग होती है कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते जबकि उनका वो हिस्सा है पार्लियामेंट का। देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस विच ही हैज़ टू परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। इनकी देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है जो उन्हें पार्लियामेंट के लिए निभाने पड़ते। देखिए द प्रेजिडेंट समन्स एंड प्रोड्यूस द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे बात आई है समन एंड प्रोड्यूस की ठीक है। समन क्या है, समन होता है कि जैसे देखिए हमारे जो जो यहाँ पे पार्लियामेंट है वहाँ पे जो तीन सेशन होते हैं ठीक है, तीन सेशन होते हैं, तो जैसे
राष्ट्रपति समन भेजते हैं पार्लियामेंट में। समन का क्या मतलब है कि संसद की कार्यवाही शुरू करना, संसद की कार्यवाही शुरू करना को कहते हैं समन। प्रोग्यूस होते हैं कि संसद की कार्यवाही को ख़त्म करना, ठीक है, वो होता है प्रोग्यूस। अब देखिए, वाइल राज्यसभा इज ए कॉन्टिन्यूटिंग बॉडी द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा वेस्ट इन द प्रेजेंट। अब देखिए, जो लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा क्या है, डिसॉल्व हो सकता है यानी कि भंग हो सकता है। देखिए, मान लीजिए जो प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अगर उनका जो समर्थन है, अगर जो उनका जो उनकी सरकार जो फेल हो जाए तो लोकसभा जो क्या है भंग हो जाएगी, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगी। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, ठीक है, राज्यसभा जो है वो स्टेबल रहती है। हिज असेंट इज़ असेंशियल फॉर ए बिल पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो बिल पास होते हैं उसके ऊपर अंतिम मोहर, उसके ऊपर जो लास्ट जो होता है वो साइन कौन करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन एंड ही सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हेन विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, द प्रेजिडेंट कैन प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट लॉस पास्ड बाय प्रेजिडेंट। अब देखिए, होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, लोकसभा राज्यसभा में छुट्टियाँ चल रही है, वो काम अपना नहीं कर रहे, ठीक है, तो अचानक से कोई कानून बनाने, कोई लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए जो राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है बनाना, तो वो अपनी मर्जी से कानून बना सकते हैं, तो वैसा ही वो इफेक्ट में आएगा जैसा कि एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड, देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट इनकी राज्यसभा, अब देखिए राज्यसभा में क्या है, 250 यानी कि 250 मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, पर एट प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं, 245, 245। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए कि राज्यसभा के कितने मेंबर, आप लिखेंगे 250, वो पूछे कि बताइए कि वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम कितने हैं, तो 245, 250। देखिए, पांच जो मेंबर है राज्यसभा के, वहाँ पे जगह उसकी खाली छोड़ी गई है, प्लेस वहाँ पे खाली छोड़ा गया है, क्यों, क्योंकि ताकि, देखिए क्योंकि जगह क्यों छोड़ी गई, ताकि मान लीजिए कोई नया राज्य बनता है, कोई नई स्टेट बनती है, तो उसको वहाँ पे मेंबरशिप दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब देखिए 250 जो मेंबर हैं उनमें से जो 12 जो मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं, 250, तो उसमें से जो 12 मेंबर हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, तो उसमें कौन वोट नहीं डाल सकता, जो राज्यसभा के 12 मेंबर हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो वो 12 वोट उनके फेवर में हो जाएगी, ठीक है, इसलिए वोट नहीं डालते। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये 12 मेंबर कहाँ से आते हैं, ये आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसको एक्सपीरियंस हो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, और जैसे कई एक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो राष्ट्रपति किनको नॉमिनेट कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम एज कितनी है, 30 ईयर है। राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन द नॉर्मल टर्म ऑफ, देखिए राज्यसभा का भी भंग नहीं हो सकता, और राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर का, इनकी 6 साल का, हर 2 साल के बाद क्या है, इसके एक तिहाई मेंबर जो है वो, यानी कि एक तिहाई मेंबर, तीसरा हिस्सा जो है हर 2 साल में रिटायर हो जाता है। अब देखिए, पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की पावर क्या है, फंक्शन क्या है, देखिए पहले लेजिस्लेटिव पावर, अब देखिए इन स्पेयर ऑफ द ऑर्डनरी लॉ मेकिंग द राज्यसभा इंजॉय इक्वल पावर। देखिए, अगर ऑर्डनरी लॉ मेकिंग यानी कि सिंपल कानून बनाना हो तो राज्यसभा और लोकसभा का एक ही प्रोसीजर होता है, ठीक है, और ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा एंड इट नॉट कैन बिकम ए लॉ अनलेस पास बाय इट। देखिए, अगर जो ओनली ऑर्डनरी जो बिल है, ठीक है, वो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई बिल पास करवाना हो, देखिए मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास कराना हो, जैसे कोई भी साधारण बिल को, ऑर्डनरी बिल हो किसी से रिलेटेड, ठीक है, वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति जी के साइन पर, राष्ट्रपति जी के साइन होने के लिए जाएगा। मान लीजिए कोई डेड लॉक हो जाए, डेड लॉक का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई कानून बनाना है, लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी है, राज्यसभा ने अपनी मंजूरी नहीं दी है, वहाँ पे बहस चली जा रही है, डेड लॉक हो रहा है, ना काम आगे जा रहा है ना पीछे हो रहा है,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर उससे जो क्या है, जो ऑर्डिनरी बिल है ठीक है, उसके लिए क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पे बुलाई जाती है, देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर ऑर्डिनरी बिल हो, साधारण बिल हो, तभी ये ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, कोई अगर मनी बिल हो तो नहीं हो सकती। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग अगर हो तो उसकी अध्यक्षता, उसका प्रेजेंट कौन है, उसका प्रेजेंट है लोक, जो लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, यानी कि सिंपल सा कहने का ये मतलब है, अगर बिल के मामले में, ऑर्डिनरी बिल के मामले में कोई जो है कोई डेडलॉक हो जाए, तो उस मामले में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा कौन, भारत के राष्ट्रपति, पर इसकी अध्यक्षता, इसके प्रेजेंट कौन होंगे, इसके प्रेजेंट होंगे, ज्वाइंट सिटिंग के प्रेजेंट होंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको मैं एक बताना कि एट प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के स्पीकर कौन है। इफ़ द बिल इज़ पास इन द ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, अगर यानी कि बिल इसमें पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इसमें साइन कर देते हैं। ठीक है, अगर बिल पास नहीं हो पाता तो बिल जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। देखिए फाइनेंशियल पावर के मामले में राज्यसभा वीक है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल पावर का क्या मतलब है कि देश के फाइनेंस के बारे में, ठीक है, केवल वही सरकार बिल वो बना सकती है जो एट प्रेजेंट पे चल रही है। ठीक है, जैसे लोकसभा के जो मंत्री हैं वो फाइनेंशियल पावर उनके पास है, तो वो जैसे कानून बनाएंगे वो हो सकता है। फाइनेंशियल पावर में क्या है कि मनी बिल आते हैं, देखिए मनी बिल का जो काम है वो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो लोकसभा की जो चलती हुई सरकार है इस टाइम पे वो बनाएगी, तो लोकसभा में अगर मनी बिल पास हो गया तो राज्यसभा उसको चाहे फेल कर दे चाहे पास कर दे, अगर फेल भी कर दे तब भी वो एक बार लोकसभा से बिल निकल गया तो वो उसके ऊपर मोहर लगी जाती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। अब देखिए है क्या, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जो सारी की सारी, देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि मान लीजिए कि जो जितने भी सारे MPs हैं, ठीक है, मोदी सरकार जैसे अब चल रही है तो जितने भी MP हैं, तो जितने भी सारे MP हैं वो सारे किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके रूप, किसके प्रति हैं, लोकसभा के। अगर एक MP की बात की जाए तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वो है राष्ट्रपति जी के। सिंपल MP हो, जैसे आपकी जगह पे कोई MP हो, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो अकेला राष्ट्र की, राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर पूरे के पूरे जो मेंबर है भारत के जितने भी MP से, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, देखिए अमेंडमेंट पावर क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा कैन थ्रो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग एन अमेंडमेंट बिल बाय 2/3 मेजोरिटी इन द हाउस। देखिए फ्रेंड्स अमेंडमेंट पावर क्या है कि अगर कोई बिल पास करना है, कुछ नया कानून, कुछ संविधान में अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, संविधान में कुछ थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी बिल के ऊपर। ठीक है, इनकी कोई नया कानून बनाना है तो इतना आसान नहीं है बनाना। ठीक है, तो अगर कोई चलता कानून है इसमें कोई बदलाव करना है तो अमेंडमेंट के द्वारा होगा, तो 2/3 मेजोरिटी होगी हर एक हाउस की। तो थोड़ा होता है कि जैसे मान लीजिए कि 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके अगर हम तीन हिस्से कर दें, ठीक है, अगर हम उसके तीन हिस्से कर दें तो तकरीबन जो है 180 तीन हिस्से हो गए, तो 360 से ऊपर जो मेंबर होने चाहिए जो अपनी मोहर लगा दे कि हाँ हम इस अमेंडमेंट करते हैं, 250 से ऊपर, देखिए जो 250 टोटल मेंबर है राज्यसभा के दूसरी तरफ, तो उसमें से आप उसके तीन हिस्से करिए, ठीक है, यानी कि 170 के आसपास मेंबर होने चाहिए, ठीक है, जो ये मानते हो कि हाँ इसमें बदलाव हो तभी वो 2/3 मेजोरिटी बनती है। इलेक्टोरल पावर क्या है, देखिए जो राज्यसभा है उसमें कुछ इलेक्टोरल पावर है, ठीक है, तो देखिए जो इलेक्टोरल पावर ऐसा है कि देखिए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा अलोन विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर इलेक्ट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा लोकसभा टुगेदर इलेक्ट द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा, देखिए जो देश के जो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वाइस, देखिए ऐसा है कि लोकसभा में अध्यक्ष कौन है, लोकसभा में प्रेजिडेंट कौन है स्पीकर, और राज्यसभा में अध्यक्ष कौन है, प्रेजिडेंट कौन है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, प्रेजिडेंट होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक्स ऑफिशियो ऑफिसर है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि वो दो जो कार्य संभालते हैं, पहली बात तो वो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, फिर राज्यसभा के वो चेयरमैन भी हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है, देखिए द राज्यसभा एक्टिंग अलोंग विद द लोकसभा कैन इम्पीच द पार्ले द प्रेजिडेंट ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ऐसा है कि अगर जो राज्यसभा है और लोकसभा मिलकर क्या है, इम्पीचमेंट कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो वहाँ पे क्या चलता है, इम्पीचमेंट मान कि महाभियोग। राष्ट्रपति जी को अगर हटाना हो, ठीक है, तो उनके खिलाफ़ क्या है, अगर पता चले कि ये संविधान के खिलाफ जाके, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, तो लोकसभा राज्यसभा में क्या है, इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। राज्यसभा कैन ऑल्सो पास ए स्पेशल एड्रेस फॉर कॉजिंग द रिमूवल ऑफ द जज, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए राज्यसभा क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाना हो तो राज्यसभा में क्या है, वो वहाँ पे उसकी प्रक्रिया चला सकते हैं। तो चार्जेस देखिए, अगर कुछ चार्जेस हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, उसके प्रति भी राज्यसभा जो है, ठीक है, वो चार्जेस लगवा सकती है, ठीक है। द राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल सम हाई ऑफिसर लाइक, देखिए जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल का क्या मतलब कि देश का वकील, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि अगर आप सरकार के ऊपर केस कर दो, जैसे आपके ऊपर कोई केस करे तो आप अपना वकील रखते हो ना अपनी सफाई के लिए, है ना, तो वैसा ही अगर भारत सरकार के ऊपर आप केस कर दोगे तो उनकी तरफ से जो वकील है, ठीक है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो आपका वो उनकी तरफ से केस लड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई राज्य पंजाब हो गया, हिमाचल, कुछ भी हो गया, वो भारत सरकार के ऊपर कोई केस कर दे तो अटॉर्नी जनरल उनका केस आगे लड़ेगा। तो अटॉर्नी जनरल क्या है, लीगल एडवाइज़र भी है गवर्नमेंट का। जैसे अटॉर्नी जनरल है, CAG कंपटरल एंड ऑडिटर जनरल है, एंड चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, ठीक है, इनके प्रति भी रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। टू स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के बाद दो स्पेशल पावर है, ठीक है। पहला क्या है, द पावर टू डिक्लेयर ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए किसी भी सब्जेक्ट, जैसे हमारे देखिए यहाँ पे तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनकी देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को वो स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस प्रदान कर सकती है राज्यसभा। पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ एन ऑल इंडियन सर्विसेज, देखिए किसी भी सर्विस को लगाना या हटा सकती है, ठीक है, राज्यसभा। ना देखिए लोकसभा की बात करें, देखिए लोकसभा सबसे पावरफुल है, यहाँ पे क्या है कि 552 यानी कि 552 ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या है कि दो जो मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। देखिए हमने जैसे देखा था ना कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 12 मेंबर जो है वो राज्यसभा में डालते हैं, ठीक है, ऐसा ही लोकसभा में वो दो मेंबर डालेंगे जो होंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या है, देखिए जब भारत की आज़ादी हुई थी, जो इंडियन की जो फ्रीडम हुई थी, उस वक्त क्या था कि जैसे कुछ इंडियन ने यूरोपियन से, अंग्रेज़ों से शादी कर ली थी, ठीक है, तो कुछ अंग्रेज़ों ने यहाँ के भारत औरतों से शादी कर ली थी। जब उनकी संतान पैदा हुई तो वो आधी भारतीय थी और आधी अंग्रेज़ थी। अब उनको बोलता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज़ और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। यानी कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि राज्यसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो मेंबर हैं उनको यहाँ पे दो मेंबर अपनी मर्जी से डालते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए स्मार्ट क्वेश्चन पेपर में कहता है, बताइए कि भारत के जो राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन हो तो उसमें कौन जो है वो वोट नहीं डालते। देखिए 12 मेंबर तो हो गए राज्यसभा के और दो मेंबर हो गए लोकसभा के जो एंग्लो इंडियन है, तो 14 मेंबर जो टोटल है वो वोट नहीं डालते, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि लोकसभा अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू, देखिए लोकसभा क्या है कि 5 साल का इसका कार्यकाल होता है लोकसभा का, ठीक है, तो 25 साल की इसकी एज होगी तो और 5 साल ये काम करते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन क्या है कि देश में जितने भी देखिए कानून बनाने हैं, जो भी बिल है, सारा काम जो देख रेख है यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न की गई है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेस लिस्ट। देखिए यहाँ पे यूनियन लिस्ट क्या है कि वो कानून जो सिर्फ भारत की सरकार यानी कि केंद्र सरकार ही बना सकती है। स्टेट लिस्ट क्या है कि वो कानून सिर्फ जो राज्य सरकार बना सकती है। कॉन्ग्रेस लिस्ट क्या है कि वो लिस्ट जिसके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन हो, ठीक है। पर एमरजेंसी के दौरान क्या है, ठीक है, यूनियन को पावर है कि सभी को, जैसे जैसे मान लीजिए देश में एमरजेंसी लग जाए तो स्टेट लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, तब क्या है यूनियन लिस्ट का काम ही चलेगा। देखिए यूनियन लिस्ट में क्या है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, करेंसी एंड कॉइनेज है,
यूनियन ड्यूटी टैक्सेस है, रेलवे है, आप ये पढ़ लेना फ्रेंड्स, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके चाहे पढ़ सकते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या है, देखिए डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, सब कुछ अफेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो कॉन्क्रेट्स में क्या है, क्रिमिनल लॉस है, प्रोसीजर है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सारे हैं इसमें, ठीक है, ये आपको जानने जरूरी है, आप ये कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेशन। सेशन का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन हैं इनकी, एक साल में पार्लियामेंट जो है वो 3 बार काम करती है। जैसे एक है बजट सेशन जो है फरवरी से मई के बीच में, ये सबसे लंबा सब जो सेशन होता है। आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कि सबसे लंबा सेशन कौन सा है, ठीक है, तो वो होता है बजट सेशन। फिर है मानसून सेशन यानी कि जुलाई और अगस्त, अभी मानसून सेशन आएगा नेक्स्ट मंथ से। फिर है विंटर सेशन यानी कि नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, ये 3 सेशन है, ठीक है। अब देखिए कुछ आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने वो आर्टिकल डाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आ चुके हैं या यही एग्ज़ाम में बार बार घूमते रहते हैं। अगर देखिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, आप आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक सारे ही रट लो। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक, यानी कि उसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, उसमें देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे आप DPSP भी बोलते हो, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये सारे ही इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से 99% चांसेस है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये करना है आर्टिकल का क्वेश्चन, तो आप ये 12 से लेके 51A तक सारे याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ आपको मैं यहाँ पे आर्टिकल बता दूंगा, देखिए जैसे 12 से लेके 35 तक हैं फंडामेंटल राइट्स है, 36 से 50, ठीक है, यहाँ पे 36 से 51 आएगा, यहाँ पे 50 से 51 कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है, राज्यसभा से। 81 किससे है, लोकसभा से, ठीक है। और 343 किससे है, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, 343 से। 356 क्या है कि स्टेट्स में राष्ट्रपति राज का लगना। 370 क्या है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा। और 395 क्या है, आखिरी जो आर्टिकल है, रिपील्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि जो भारत के जो कानून बनाए गए हैं वो 1935 एक्ट के दौरान जो बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। देखिए आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकार, जबकि शुरू होते हैं समानता के अधिकार 14 से, ठीक है, शुरू हो रहे से 12 से 35, पर एक्चुअली शुरू होते हैं 14 से। अब देखिए 12 और 13 आर्टिकल कहाँ जाएगा, 12 13 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए डेफिनेशन स्टेट का मतलब ये नहीं कि आपको 29 राज्यों के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं है, इसमें उस स्टेट की बात कभी नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डी ऑर्गनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट की यहाँ पे व्याख्या की जाती है। अब उसके क्या बात क्या है, देखिए हमारे संविधान में क्या है, ओरिजिनली 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, पर फिर बाद में 6 जो है फंडामेंटल राइट कर दिए गए, ठीक है। अब देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में था, अब उसे हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि कौन सा जो आर्टिकल था वो हटा के कहाँ पे डाला गया, आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के कॉमन अधिकार बना दिया 300A में। अब देखिए नया आर्टिकल जुड़ा है, ठीक है, 28 या 29 अगस्त 2017 को, ठीक है, 29 या 28 अगस्त 2017 को एक नया कानून जोड़ा गया था आर्टिकल 21 में, ठीक है, आर्टिकल 21A में, वो क्या था, राइट टू लाइफ, ठीक है, सॉरी राइट टू लाइफ की जगह डाल दिया गया राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है, आर्टिकल 21 रिलेटेड है राइट टू, पहले था राइट टू लाइफ से, अब उसकी जगह पे किसको बना दिया गया, राइट टू प्राइवेसी को, ठीक है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी के अंडर अब कर दिया गया राइट टू लाइफ को। आपको क्वेश्चन बोल सकते हैं कि बताइए कि अब जो नया आर्टिकल जो एक जोड़ा गया था वो कौन सा था, वो है राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है, राइट टू लाइफ के अंडर हो गया है आप, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिए कि आर्टिकल, देखिए यहाँ पे ऊपर है आर्टिकल जहाँ पे राइट टू क्वालिटी आएगा 14 से 19, यहाँ पे गलती से 19 और 22 लिख हो गया दोनों जगह पे, आप यही कर लेना, ये 14 से 18 तक आएंगे राइट टू क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे राइट टू क्वालिटी है 14 से लेके 18 तक, ठीक है।
राइट टू जो फ्रीडम है वो है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आर्टिकल जो 23 और 24 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म छोड़ सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये है आर्टिकल 29 और 30, यानी कि आप देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से आपको ये आ सकता है, आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आर्टिकल 32 फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है वो देखिए यहाँ पे 29-30 जो हो गया है, ठीक है, जो है अब आर्टिकल 32 यहाँ पे है वो है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बी आर अम्बेडकर ने उन्होंने कहा था ये जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये संविधान के आत्मा। आर्टिकल 32 क्या है, अगर आपको फंडामेंटल राइट आपके छीन लिए जाए तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट को वापस ले सकते हो। इसकी तरह क्या है कि पाँच तरह की, ठीक है, इसकी क्या है कि पाँच तरह की जो है रिट होती है, ठीक है, जिसके द्वारा आप अपने फंडामेंटल राइट को वापस ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, देखिए ये संविधान के पार्ट 4 में है, ठीक है, यह है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। तो एक है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जैसे कि फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार आपसे अगर छीन लिया जाए तो आप अदालत में कोर्ट में जाकर उसे वापस लगवा सकते हैं, पर जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक जो निर्देशक सिद्धांत है, अगर इसकी कोई पालना नहीं करता तब कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। आर्टिकल 36 में इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है। मेन क्या होता है, मेन यहाँ पे आपको मेन आर्टिकल बताता है क्या है, मेन इसमें आएंगे विलेज पंचायत का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। आप इसको एक एक करके देख लेना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिए गए थे, ये लिए गए थे आयरलैंड से, आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप दो बातें याद रखिए, कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से, ठीक है। दूसरी बात है कि कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य, जैसे हमारे अधिकार हैं वैसे हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 51 ए में दर्ज है और ये पार्ट 4 ए में है, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनली हमारे जो 90 देखिए ऐसा था कि जब 42 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, ठीक है, 42 अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1976 में हुई थी, ठीक है। उसके तहत क्या है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कब जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 1976 में 42 अमेंडमेंट के ज़रिए, ठीक है। तो उस वक्त की 10 ड्यूटीज़ यानी कि 10 जो हमारे कर्तव्य थे, हमारी 10 ड्यूटीज़ थी, पर जब 86 अमेंडमेंट किया गया 2002 में तो एक और ड्यूटी जोड़ दी गई जिसकी संख्या बढ़ के गिनती बढ़ के तो हो गई 11, यानी कि अब हमारे पास क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका मेरे को ये बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी वो कौन सी कमेटी के द्वारा जो है वो जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें वही है कि जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्र जो 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 राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसका सम्मान करना, ठीक है, जो संविधान जो स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके विचारों को जो है सम्मान देना, ठीक है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब कुछ है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब देखिए नीति आयोग है, नीति आयोग कब बना था, देखिए फ्रेंड्स नीति आयोग जो है इसकी पहले फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना था, ये बना था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे बनाया गया है, ठीक है। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 8 फरवरी 2015 को, ठीक है। तब कौन सी सरकार थी, तब यहाँ पे बीजेपी यानी कि मोदी सरकार थी, ठीक है। तो इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीति आयोग के मेंबर कौन है, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है कौन है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे क्या 29 जो स्टेट्स हैं वहाँ के जो
चीफ मिनिस्टर है वो इसके मेंबर होते हैं, जो इसके बाद जो 7 यूनियन टेरिटरी है इनकी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो है नहीं है, वहाँ पे क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको भी यहाँ पे मेंबरशिप दी जाती है। यानी कि नीति आयोग में क्या है, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री मेंबर हैं, साथ में 7 जो यूनियन टेरिटरी हैं केंद्र शासित प्रदेश के वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। देखिए चीफ मिनिस्टर टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट ऑफ नेचुरली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्किल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है वो जो राज्य के चीफ मिनिस्टर है ना वो मिलके आपस में सारी बात करते हैं, ठीक है, देश में क्या है क्या होना है, नीति बनाना प्लान करना, ठीक है। जैसे मान के चले कि एजुकेशन का मामला हो या कुछ भी मामला हो तो वो वहाँ पर मुद्दा रख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले काम होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रमोटिंग ऑफ कॉपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहयोग करना, ठीक है, असिस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। देखिए पॉलिसी मेकिंग में क्या है, गवर्नमेंट का साथ देना, सर्विंग एज अ गवर्नमेंट थिंक टैंक। थिंक टैंक क्या है, विचारों का भंडार, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या है अपने अपने विचार देना। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। देखिए फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन क्या है, सबसे पहली बात देखिए कि इलेक्शन कमीशन जो है एस्टेब्लिश कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत का संविधान लागू होने से एक दिन पहले इसको जोड़ लिया गया था। आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में है क्या, हमारे देश में क्या है कि अब देखिए इलेक्शन कमीशन जो है इसका नाम चेंज हुआ है, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, आप देखना। और जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वो एट प्रेजेंट टाइम के इलेक्शन कमीशन कौन है, एट प्रेजेंट टाइम के जो हमारे जो शिक्षा मंत्री, जो अभी देखिए नई सरकार आई है ना, वहाँ पे आपको करना ज़रूरी है कि कौन कौन से मंत्री जो है वो नए बन चुके हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना होगा कि जो अभी जो शपथ ग्रहण हुआ था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ पे कौन कौन से गेस्ट आए थे उनके नाम, और साथ में अभी कौन सा विभाग कौन सा डिपार्टमेंट किसे सौंपा गया उनके नाम। जैसे हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरीवाल, ठीक है, रमेश पोखरीवाल जी आ चुके हैं, पहले कौन थे प्रकाश जावड़ेकर, अब उनकी जगह पे कौन है रमेश पोखरीवाल, तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन भारत में तीन इलेक्शन कमीशन है, एक है चीफ इलेक्शन कमीशन, दो उसके होते हैं अंडर, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज कंसीडर्ड हार्ट एंड सोल। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तहत भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा राइट है, तो आंसर है डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। विच अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया। अब देखिए डीसी का ऑफिस जो है किस ऑफिसर ने, ठीक है, जो बनाया था, तो आंसर है वॉन हेस्टिंग, उसके टाइम से डीसी का ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो स्थापना हुई थी। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इंक्लूड। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या जुड़ गया है, आप देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि 1, 2, 4, ठीक है, तीनों ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो देखिए क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जी को जो जो ओथ लेते हैं वो कौन सी, इनमें देखिए आंसर है डी, टू प्रजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री, भारत के संविधान के प्रति वो निष्ठावान रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, देखिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकी 1 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स प्रेजेंट प्रणब मुखर्जी, देखिए ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए, यहाँ पे आप मत कीजिए, अब नए राष्ट्रपति आ चुके हैं उनके लिए आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर कंडीशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए क्या क्या देखिए यहाँ पे होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनकी 2 और 3, इसको आप पढ़ लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ द गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के टूल्स क्या हैं, देखिए इसका ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर इसका गुड गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेजिडेंट हैज़ इन रिलेशन टू लोकसभा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेना। द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड, यानी कि अगर जो पार्लियामेंट है उनके बीच में कितना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर है 6, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं चाहिए।
राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट इज इम्प्लीमेंटेड इन, देखिए राइट टू जो प्राइवेसी है वो कहाँ जुड़ी गई है, वो जुड़ी गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, यानी कि फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट समन बाय, देखिए जो पार्लियामेंट को समन कौन भेजता है, भारत के राष्ट्रपति। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है 21 अप्रैल को, ठीक है। तब हम कुछ इसके जो अपडेटेड टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, जो इसके जुड़े थे, तो चलिए वो करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कुछ अपडेटेड टॉपिक्स जो अभी हुए हैं इसमें हायर एजुकेशन में। देखिए प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, देखिए ये आया था इसमें टॉपिक नया। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, टेक्निकल और स्किल बेस्ड क्या है, देखिए प्रोफेशनल की बात करते हैं। दीज कोर्स डू नॉट प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन एंड देयर फोकस इज ऑन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। प्रोफेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं देती, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराती, ये सिर्फ जोर देती है, फोकस करती है थ्योरी के ऊपर या प्रैक्टिकल के ऊपर। यानी कि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस किया जाए तो वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा प्रोफेशनल एजुकेशन के अंडर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए मेडिकल कोर्सेज, टीचिंग कोर्सेज, लिंग्विस्टिक कोर्सेज और एग्रीकल्चर स्टडी, ये कौन सी है, यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों किए जाते हैं। आपको एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सा है, ठीक है, जिसमें फोकस किया जाता है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के ऊपर। टेक्निकल एजुकेशन क्या है कि दीज कोर्सेज इम्फेसिस ऑन टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मशीन इक्विपमेंट एंड गैजेट, यानी कि जो मशीन के बारे में, उसके औजार इक्विपमेंट के बारे में जो बताते हैं वो है टेक्निकल एजुकेशन। जैसे एरोनॉटिकल स्टडीज, फार्मेटिकल स्टडी एजुकेशन, मैनेजमेंट स्टडी, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये है टेक्निकल एजुकेशन। स्किल बेस्ड कौन से है, दीज कोर्स रिजल्ट इन स्किल डेवलपमेंट, दीज एम्फेसाइज ऑन कॉन्क्रीट लर्निंग एंड प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज फॉर कॉस्मोलॉजी, ड्रेस डिजाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, CNC ऑपरेटिंग ऑपरेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ये क्या है, स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड यानी कि जो हमें कौशल, जो हमें जो है वो आता है, जो स्किल हमारे अंदर होता है, ठीक है, ये इसका फर्क। तो नेक्स्ट है वैल्यू एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए वैल्यू एजुकेशन क्या है, इंडिया प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर गुड ग्रेड्स, ए जॉब, ए प्रोफेशन, बट इट नॉट डज नॉट एम्फेसाइज ऑन टीचिंग वैल्यू एंड मॉरल्स टू डील विद रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए आजकल क्या है हमारे भारत में, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्या है, स्टूडेंट को तैयार कर रहा है ग्रेड के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए। देखिए पहले ज़माने में जो एजुकेशन थी वहाँ पर उनको जो पढ़ाया जाता था उनके वो जॉब में काम तो आता ही था, पर उनको साथ साथ क्या है वैल्यू भी पता चलती थी। पर आज की जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें सिर्फ जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए यही है। आजकल स्टूडेंट जो है वो जॉब करते हैं किसके लिए, जो स्टडी करते हैं किसके लिए, वो करते हैं जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए। जैसे आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, आपका टारगेट क्या है, UGC नेट करो और फटाफट आप जो है वो जॉब पे लग जाओ, ठीक है। तो आपने वैल्यू तो सीखी नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि जो आपने जो सीखा है वो क्यों सीखा है। देखिए आपने जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सीखा होगा, ग्रेजुएशन में जो सीखा होगा, आप उसको भूल चुके होंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, जॉब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट ए गुड एसे ऑन क्लीनलेस, बट देर विल बी ए फ्यू हु विल बी प्रैक्टिसिंग इन देयर लाइफ। देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, देखिए वैल्यू एजुकेशन का ये मतलब है कि जो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं पर हमें उसे अपनी लाइफ में लागू करते ही नहीं है। जैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख लोगे सफाई के ऊपर, क्लीनलीनेस के ऊपर, ठीक है, क्लीनलीनेस के ऊपर आप एक अच्छा ऐसे लिख लोगे, पर आप उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल नहीं करोगे। हेयर द रीज़न इज लैक ऑफ वैल्यूज। इफ़ वी लुक एट द डाटा ऑन डिप्रेशन एंड सुसाइड्स, द नंबर आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। डिप्रेशन रेट्स अमंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड द एजुकेटेड क्लास आर वेरी हाई। देखिए डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि सुसाइड के काम बहुत बढ़ रहे हैं, जिसको हम खबरें पढ़ते हैं ना कि वो बच्चा फेल हो गया, वो स्टूडेंट फेल हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो जो हायर एजुकेशन के जो अंदर स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा जो जल्दी जो हौसला छोड़ जाते हैं, जिससे सुसाइड वो कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये वैल्यूएशन एजुकेशन कहाँ पे है, हमने सीखा है कि सुसाइड करना बुरी बात है, पर उसको हमने सीखा ही नहीं है, यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसको हम मान रहे, ठीक है। इट इज़ बेसिकली बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट प्रिपेयर अस टू डील विद लाइफ
सोसाइटी रिलेशनशिप सेट गोल्स एंड अचीव देम. वैल्यूज आर गाइडिंग प्रिंसिपल आइडियाज़ और स्टैंडर्ड. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन है, यहाँ पे ये कहा गया है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं हमें उन्हें अपनी लाइफ में लागू करना चाहिए, ठीक है. हमें डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर आनी चाहिए जिसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो यह वैल्यू एजुकेशन. अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर इन वैल्यू एजुकेशन. देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर है, द टीचर शुड एक्ट एज फैसिलेटर एंड एन एजेंट टू इंक्लूड गुड वैल्यू इन स्टूडेंट्स. द टीचर शुड अप्रिशिएट स्टूडेंट फॉर गुड बिहेवियर एंड आल्सो शुड नॉट इनकरेज बैड बिहेवियर. अब देखिए टीचर का बहुत ज़्यादा अहम रोल है वैल्यू एजुकेशन में. अगर कोई बच्चा गलती करे तो टीचर को चाहिए उसको वो डांट लगाए, अगर कोई बच्चा जो स्टूडेंट है वो अच्छा काम करे तो उसको शाबाशी दे, ठीक है. ये ना हो कि हाँ वो गलत काम कर रहा है उसको शाबाशी दे, तो उससे क्या होगा कि वो और नेगेटिव बातों के ऊपर जाएगा. तो सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर है उसको बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है, ठीक है. उसको अपनी मेहनत पे विश्वास दिलाना चाहिए. इनके बच्चों को ये कहना चाहिए कि आप लाइफ में मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए. जैसे एज ए टीचर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आप इतनी मेहनत करिए, ईमानदारी से चलिए कि आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है. मैं तो कहूँगा नहीं हाँ आप नकल मार के पास हो जाओ, है ना. आपको कहूँगा मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा कि ताकि आपके लाइफ में वो काम आए. तो टीचर का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन. देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज आल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज अदर फॉर्म ऑफ एजुकेशन. इट मेक्स द स्टूडेंट अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल इशू एंड देयर कॉज एंड इफेक्ट. अब देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है. एजुकेशन है शिक्षा, इन्वायरमेंटल है हमारा आसपास का वातावरण या माहौल. यानी कि जिस माहौल में आप रह रहे हो आपको उसके आसपास की खबरें पता होनी चाहिए. जैसे आप इंडिया में रह रहे हो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कौन है मिनिस्टर बन चुका है, हमारे देश का ये क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है. तो वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन. अगर आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, ठीक है, ऐसे आप जानते ही नहीं हो कि आपके आसपास हो क्या रहा है तो आप एक देश के सिटीजन नहीं कहला सकते, ठीक है. सिर्फ इंसान और जानवर में यही चीज़ फ़र्क होती है कि उसे अपने आसपास के चीज़ों का ज्ञान होता है. अगर आपको किसी का ज्ञान ही नहीं है तो आपकी पढ़ाई करना बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है. तो स्टूडेंट विल आल्सो कम टू नो अबाउट द रिमेडियल मेजर फॉर रिजॉल्विंग देयर इशू. इट विल बी, देखिए यहाँ पे सिंपल ये बात की गई है कि जो इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है वो क्या चीज़ है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं तो हमें आसपास की चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए. आप अखबार पढ़िए, ठीक है, आप न्यूज़ चैनल देखिए, ठीक है. तो स्कूलों में क्या है कि आपको वो जो प्रैक्टिकल वर्क देते हैं जिससे आपको आसपास की चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स. देखिए वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क देगी करने के लिए, ठीक है. जैसा आपको पोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जाएगा, उसके आपको इफेक्ट बताए जाएंगे कि ताकि आप चीज़ों को जानो, ठीक है. अगर आपको पता है पोल्यूशन के बारे में, अगर आपको पता है कि हाँ पोल्यूशन से हमें हानियाँ होती है, अगर आपको इफेक्ट पता है तो आप खुद सोसाइटी से जुड़ जाओगे, ठीक है. अब देखिए मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इन इंडिया. भारत में जो उच्च शिक्षा प्रणाली जो हायर एजुकेशन है उससे क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं. देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट इशू रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इज लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं है. क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है, आपने देखिए कि कहीं पर एडमिशन ले लिया है, चाहे आप कहीं कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, वहाँ पर जो पढ़ाने वाला टीचर है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे आप एयर कंडीशन में बैठ के पढ़ रहे हो पर आपको पढ़ाने वाला टीचर बिल्कुल बेकार है तो आप उससे कभी कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है. यानी कि अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप पेड़ की छाया के नीचे पढ़ रहे हो, अगर आपको पढ़ाने वाला टीचर बढ़िया है तो आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, चाहे आप आईएएस भी कर लोगे, ठीक है. तो सबसे बड़ी बात क्या है, क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन ये मतलब नहीं है कि आपको बस यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठा दिया तो क्वालिटी हो गई. क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि वो टीचर, अब देखिए अभी जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उन्होंने स्कूल लेवल के लिए सी टेट के लिए टेट के लिए वहाँ पे उन्होंने सिक्स लेवल है वो किए हैं. क्यों किए हैं, कि ताकि स्कूलों में जो एजुकेशन है, ठीक है, वो बढ़िया हो सके. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो वहाँ पे पीएचडी ज़रूरी है. क्यों, आप इसे नेगेटिव मत सोचिए कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए पीएचडी ज़रूरी है, आप इसे पॉजिटिव लेके सोचिए. देखिए कि अगर एक कॉलेज में, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेवल का टीचर आपको पढ़ाए तो बच्चों का भविष्य, उनका फ्यूचर कितना बढ़िया बनेगा. स्कूल में अगर सिक्स लेवल पार करके एक टीचर लग रहा है तो उसकी नॉलेज कितनी हाई होगी. कॉलेज में अगर कोई टीचर लग रहा है, ठीक है, पीएचडी करने के बाद तो उसकी नॉलेज कितनी हाई होगी. जब नॉलेज बच्चों को दी जाएगी तो कितना बढ़िया हो जाएगा. तो सबसे
है कि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना, ठीक है, इसको ख़त्म करके इसकी जगह की क्या है, इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट इशू और वी कैन से एनडी इज़ दैट अवर कॉलेज आर टीचिंग प्रैक्टिकल कोर्सेज थ्योरेटिकली, दिस इज लैक ऑफ हैंड्स ऑन एंड ऑन एक्सपीरियंस। देखिए क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं है, अदर इम्पोर्टेंट इशू क्या है, ठीक है, कॉलेज में जो टीचिंग है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल कोर्स है थ्रेटिकली पढ़ाए जा रहे हैं, पर वहाँ पे क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है, नए टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका भविष्य कहाँ पे है, ठीक है। दिस इज ए गैप इन द एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर क्वालिटी एजुकेशन, देर इज नीड ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्स। देखिए रिसोर्सेज की कमी होना, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं भी आप पढ़ने जा रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपको जैसे देखिए सबसे बड़ी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हो गया, पेपर वन चेंज हो गया, पेपर टू चेंज हो गया, आपको रिसोर्सेज कोई दिया ही नहीं गया, आपको ये बता दिया गया कि सिलेबस चेंज हो चुका है, आपका सिलेबस है, पर मार्केट के में कोई बुक नहीं आई, कोई वेबसाइट नहीं आई जहाँ से आप कोर्सेज ले सको। पेपर वन तो जैसे तैसे करके हमने भी यहाँ पे जो है वो डाल दिया है, कवर कर दिया है तकरीबन, ठीक है, पर पेपर टू नहीं हो पाया। तो आप ये देखिए कि सिलेबस चेंज हो चुका है तो बच्चों को कितनी मुश्किल आई है पढ़ने के लिए, तो रिसोर्सेज है ही नहीं थे। अब आप खुद ही सोच के देखिए, इफ़ वी लुक एट द ट्रेंड ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स इट कैन क्लियरली सीन दैट देयर हैज़ बीन मशरूमिंग ऑफ लो क्वालिटी इंस्टीट्यूट। देखिए द लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, देखिए लो क्वालिटी इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है कि कोर्सेज तो रख देते हैं पर वहाँ पे टीचर काबिल नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे करके। अनदर इशू ऑफ लो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एज कम्पेयर टू अदर नेशन। देखिए लो एनरोलमेंट है यहाँ पे, क्या है कि अनदर इशू क्या है, लो एनरोलमेंट, बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते। आप देखिए कि 101 सब्जेक्ट हैं, 101 सब्जेक्ट हैं यूजीसी नेट के, वहाँ पे कितने कितने जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही रेयर रखते हैं स्टूडेंट्स, सोशल वर्क हो गया, ठीक है, और जर्नलिज्म हो गया, आपको मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताऊंगा कि जो बहुत ही कम स्टूडेंट रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मान के चलो कि अगर कुछ चुनिंदा स्टूडेंट उस कोर्स का करें तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जॉब भी कम निकलेगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है बच्चे भी कम जाएंगे, तो उस कोर्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी, ठीक है। इट कैन बी कॉमनली सीन दैट द स्टूडेंट रेशियो इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज़ वेरी हाई। अब देखिए इट ए बैच, अब देखिए कॉलेज और स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट की रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, एक बैच के अंदर क्या है 200 स्टूडेंट है। आप देखिए कि अगर आप कहीं पे 100-200 स्टूडेंट के बीच में पढ़ रहे हो तो आपको टीचर तो पहली बात तो दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर होगा या स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगर जो टीचर ने पढ़ाया आधे बच्चों को समझ में आया, आधे को समझ में नहीं आया, तो जिनको समझ में नहीं आया उनका क्या होगा, है ना। द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है ही नहीं है, जैसे जो है लो लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, उसकी कमी होना, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, ये लास्ट है, लैंग्वेज लिस्टेड। देखिए जो हमारा 8वां शेड्यूल है, 8 जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसके अंदर जो है कौन कौन सी भाषाएं दर्ज हैं, मैं आपको एक बढ़िया सा फैक्ट बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो 8वां शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वहाँ पे 22 लैंग्वेज यानी कि 22 भाषाएं दर्ज हैं। इसमें कौन सी भाषा दर्ज नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, भारत के संविधान में 8वें शेड्यूल में कौन सी भाषा दर्ज नहीं है, राजस्थानी भाषा और इंग्लिश भाषा दर्ज नहीं है। इसको आप लिख लीजिए कहीं पे भी, राजस्थानी भाषा नहीं दर्ज है और ना ही इंग्लिश भाषा कहीं पे दर्ज नहीं है। बट देखिए हमारे संविधान में 22 भाषाएं दर्ज हैं, राजस्थानी नहीं है और इंग्लिश नहीं है, ठीक है, बाकी सारी दर्ज हैं। उसके बाद अगर लिटरेचर में किसी को अवार्ड देना हो, साहित्य में किसी को अवार्ड देना हो, तब 24 भाषाओं में अवार्ड दिया जाता है, 22 भाषाएं 8वें शेड्यूल की और 2 भाषाएं राजस्थानी और इंग्लिश को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है, आप इसको ध्यान से रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए असमी है, बंगाली, बोडो, ये कब ऐड हुई थी आप इसको देख लेना, ठीक है, ये ऐड की गई थी 92 अमेंडमेंट 2003 में, डोगरी को ऐड किया गया था 92 अमेंडमेंट 2003 में, फिर एक गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी को 71st अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1992 में, मैथिली को, ठीक है, 92nd अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट 2003 में ऐड किया गया था, फिर है मलयालम, फिर है मणिपुरी, ये 71 अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, ये जोड़ी गई थी, मराठी, फिर है नेपाली 71 अमेंडमेंट। यहाँ पे जो कॉमन अमेंडमेंट है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी आप इसको एक बार देख लें,
ठीक है, उड़िया पंजाबी संस्कृत 92nd अमेंडमेंट में, फिर संथाली को ऐड किया गया था, सिंधी को 21st अमेंडमेंट, ठीक है 67 में, तमिल तेलुगु और उर्दू। यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे राजस्थानी भाषा दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं है, ठीक है, राजस्थानी इंग्लिश भाषा इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट लेक्चर, ये हायर एजुकेशन का भी लास्ट लेक्चर है और हमारे UGC कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है पेपर 1 का। तो